हमारे समक्ष है मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुआ। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सर। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आज वर्ल्ड अथॉरिटीज डे है, तो उस उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आए दिन देखे जा रहे काफ़ी यंगस्टर्स में आर्थो रिलेटेड डिजीज बढ़ती जा रही है, तो ये किस तरह की डिजीज होती है, किस तरह की समस्याएँ लेकर पेशेंट आपके पास आते हैं, उस बारे में आप बताइए। आजकल के दैनंदिन जीवन शैली को देखते हुए काफ़ी यंग जनरेशन भी हमारे पास आ रही है, साथ में एल्डरली पेशेंट भी आते हैं। तो साधारणतः जोड़ों का दुखना, कमर दर्द, घुटने दुखना, या फिर एक अकड़न महसूस होना, या फिर उठने के बाद या थोड़ा चलने में दिक्कत आना, इन सब चीज़ों से ग्रसित पेशेंट हमारे पास काफ़ी प्रमाण में आते हैं। डॉक्टर संदीप सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं करते, और जो ज़्यादा करके जो ऐसे यंगस्टर जो जिम भी जाते हैं, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे या पेन किलर जो एक्सेप्ट करते हैं, उसका कितना इफेक्ट होता है उनके बॉडी पर, उस बारे में बताइए। देखिए, आजकल के जो जनरेशन है इसमें जैसे मैक्सिमम लोग जो है वो ऑफिस जॉब करने वाले ही लोग हैं। हमारे पास आने वाले कॉमन पेशेंट आईटी डिपार्टमेंट वाले लोग या फिर बैंकिंग सेक्टर वाले लोग या इस तरह के जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा जीते हैं, ऐसे पेशेंट्स में एक्सरसाइज की कमतरता बहुत आमतौर पर देखी जाती है। दूसरा, दैनंदिन जीवन में स्ट्रेस, बहुत घंटों बैठे रहना, ये सब चीज़ें बहुत ऐड ऑन हो गई। उसके अलावा बहुत लोग शॉर्टकट में सोचते हैं कि अगर हम 15 दिन जिम करेंगे, दो महीने जिम करेंगे तो हम एकदम फिट हो जाएंगे। उस चक्कर में बहुत सारे लोग काफ़ी सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स या काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो इनके शरीर में लंबे समय तक हानि पहुँचा सकती है। इसके अलावा पेन किलर्स लेना, जो बहुत कॉमन देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जाने से टालना है तो चलिए थोड़े दिन के लिए पेन किलर लेके देख लेता हूँ, ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लंबे समय तक लेने से आपके शरीर में प्रभाव कर सकती है, आपकी किडनी पर असर कर सकती है या काफ़ी और दूसरी तकलीफें आपको दे सकती है, जिससे कि बचना चाहिए। पर आजकल की भीड़ भागा दौड़ी की ज़िंदगी में बहुत बार डॉक्टर के पास जाना या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से हम शॉर्टकट देखते हैं कि मेडिकल में जाकर दो गोलियाँ ले लो और फिर ठीक हो जाओ, तो इस तरीके के आम प्रचलन में देखा जाता है। सर, अमूमन ये भी देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स जो है जो जंक फूड लेते हैं, लिकर, स्मोकिंग करते हैं, और सेकंड थिंग एक्सरसाइज नहीं करते, सन एक्सपोजर उनके बोन्स को नहीं होता, बोन डेड के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं यंगस्टर्स में, तो किस तरह का उन लोगों ने प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस तरह से? सबसे पहले तो आवश्यक चीज़ जो है, जो आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को आप समय निकालिए, क्योंकि ये आपके पूरे आयुष्य भर चलने वाली है और आपको मदद करने वाली है। तो एक्सरसाइज के लिए समय निकालना, सनलाइट एक्सपोजर इसलिए महत्वपूर्ण हुआ है क्योंकि विटामिन डी की कमतरता बहुत ज़्यादा देखी जा रही है आजकल, क्योंकि लोग ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक बैठे रहते हैं। तो सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर रेगुलर डॉक्टर से चेकअप, आपके एल्डरली लोगों के लिए बोन डेंसिटी का चेकअप करना, ये सब बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। आप अगर रेगुलरली आपका सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बराबर आप डाइट लेंगे, शुगर, बीपी, ये सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे, लिकर या स्मोकिंग का प्रमाण बहुत कंट्रोल करेंगे, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी और आपको बहुत मदद करेगी ताकि आप बड़ी बीमारी से बच सकें। सर, काफ़ी यंगस्टर्स में देखा कि मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसका इफेक्ट ऐसे कि उनको गाउट है, रिमेटोलॉजी के प्रॉब्लम, या जो महिला है जो 40 जो क्रॉस कर रहे हैं उनमें डिफिशियंसी रहती है विटामिन डी की, तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इस बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एज रिलेटेड भी आ रहा है या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आ रहा है या फिर बाकी आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम जो आजकल देखे जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ में है, जैसे कि एक्सरसाइज नियमित करना, डाइट में अच्छा खाना खाना, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड ले, प्रोटीन्स अच्छे से ले, कैल्शियम युक्त तत्व ले, उसके अलावा आप स्ट्रेस से बचें क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें ये कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर, आउटिंग, थोड़े से आप ट्रैकिंग या जॉगिंग या जो भी आपको अच्छा लगता है, साइकिलिंग, इन सब नई चीज़ों को ऐड करिए और अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होइए,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिम लगा लेने से फिट हो जाएंगे, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इनको अप्लाई कर सके और आप आपके हेल्थ को मेंटेन कर सके, यंगस्टर स्पेशल। शहर और इधर के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं सर, आपके हॉस्पिटल जो क्लिनिक है उसका नंबर और वो एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसको देख के डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आपका नंबर भी वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं हमारे पेशेंट। चलते चलते हमारे पेशेंट्स को आप ये भी बताइए कि बोन फॉग ना हो, बोन्स को मजबूत रखने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट करनी चाहिए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो जैसे मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है कि डाइट और एक्सरसाइज, वज़न बहुत बढ़ने मत दीजिए, वज़न को रेगुलेट करिए। आपके घुटने, आपकी कमर, इन सब पे प्रेशर आने वाली चीज़ें से बहुत ड्राइविंग करना, बहुत देर बैठे रहना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, इनको अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट में भी अच्छा फूड इंक्लूड करिए, पाउडर्स या ऐसी चीज़ों से बचिए जो कि आपको इंस्टेंट फ़ायदा दे रही है पर लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नेचुरल हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सनलाइट एक्सपोजर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये सब करिए, स्ट्रेस से बचिए, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब को चीज़ों को आप लिमिटेड रखिए ताकि आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। सर, जब हम बात करते अपना मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक की, तो ये काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित है, काफ़ी लोगों का अच्छा निदान भी हुआ है हमारे फीडबैक के हिसाब से, तो सर आप ये बताइए कि पेशेंट्स जब आपके क्लिनिक में आते हैं पर्टिकुलरली, तो किस तरह का नया स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांसमेंट है, क्या स्पेशलिटियाँ अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। बेसिकली हमारा मनीष नगर में स्थित है जो कि एकदम नया एरिया है और काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेकर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हम हमारी तरफ से पूरे प्रयत्नरत है कि पेशेंट्स को जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो अच्छे से अच्छी मिल पाए, और इसी तरीके से हमने इस क्लिनिक को डिज़ाइन किया है कि पेशेंट्स को आने के बाद सारे डिजिटल नॉलेज मिल पाए, डिजिटल एक्सरे फैसिलिटीज़ हमारे पास है, पैथोलॉजी लैब्स में भी हमारे टाइप्स काफ़ी अच्छे एडवांस लैब्स के साथ है, और हम रेगुलरली हम डेंसिटी कैंप्स लेते रहते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लेते रहते हैं, SMS कैंपेन भी हम लोग चलाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हम बहुत बार वेबिनार्स लेते हैं या छोटे प्रोग्राम्स रन करते हैं ताकि पेशेंट को अवेयरनेस मिल पाए और पेशेंट को नए तरीके से कुछ नॉलेज मिल पाए ताकि वो अपना ख्याल रख सके। इसके अलावा जो पुरानी क्लिनिकल मेथड्स है वो तो हम हमेशा फॉलो करते हैं। डॉक्टर संदीप, आपने हमारे चैनल से बातचीत की, चर्चा की, अपने अनुभव शेयर किए, उसका निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को फ़ायदा होगा। दर्शक आपके यहाँ पे विजिट करेंगे आपकी क्लिनिक में जब भी उन्हें आवश्यकता होगा। आपका नंबर वैसे फ्लैश हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।